हेलो गाइस, मेरा नाम है विजय और आप देख रहे हैं मेरी एक और नई वीडियो। तो आज की इस वीडियो में हम आपके लिए कुछ यूनिक लेके आने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एलईडी लाइट्स के ऊपर सारा प्रोसेस रखेंगे। तो आज की इस वीडियो में हमें इसके अंदर लाइट फिट करनी है, जो कि इसमें जब मैंने परचेस की थी तो वाइट कलर की लाइट थी जो कि ख़राब हो गई थी पानी की वजह से। तो इसमें अभी मैंने ब्लू कलर की लाइट लगाई हुई है, बट उसमें वो पट्टी वाली लगाई हुई है, एक यहाँ और एक यहाँ। तो मैं आपको जला के दिखाता हूँ कुछ कैसा उसका व्यू आ रहा है। तो इसमें हम आज थोड़ी सी ज़्यादा लाइटिंग फिट करने वाली है। तो ये मैंने पार्किंग से एडजस्ट कर रखा है, तो आपको दिखाता हूँ मैं। तो इसमें कुछ अभी प्रॉपर लाइट नहीं आ रही है, एक नीचे आ रही है आप देख पा रहे होंगे और एक ऊपर आ रही है। तो इसमें ये और ये पोर्शन खाली है। तो इसमें हम आज मैं एक लाइट लेके आया हूँ एलईडी, आपको दिखाता हूँ, वो वाली लगाने वाले हैं। तो गाड़ी का पूरा व्यू कुछ ऐसा है, आप देख सकते हैं। तो कमेंट करके बताना आपको कौन सी लाइट ज़्यादा परफेक्ट लग रही, कौन सी नहीं। तो आपको दिखाता हूँ मैं कौन सी लाइट लेके आया हूँ। तो ये कुछ लाइट लेके आया हूँ मैं, इसका फॉक्स, ये सिंगल पीस लाइट्स हैं। इनको आप अगर लंबा कहीं लगाना हो तो इनको कटिंग करके लंबा लगा सकते हो। बाकी इसमें हम 5 से 6 पीस लगाने वाले हैं कटिंग कर करके। और यही लाइट मेरी ये नीचे लगी हुई है जो पिंक कलर की, सेम लाइट है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी कुछ लाइट है, किस टाइप की लगती है। तो ये लाइट है वो, तो आप देख पा रहे होंगे फॉक्स काफ़ी तगड़ा है इस लाइट का। तो पूरी नीचे ये लगी हुई है, आप देख रहे होंगे कहाँ तक ये लगाई हुई है मैंने। ये मैंने खुद अपने हाथों से लगाई हुई है और ये भी मैं अपने हाथों से ही लगाने वाला हूँ। तो इसका प्रोसेस आपको दिखाएंगे बाद में, इसकी विजिबिलिटी भी दिखाएंगे जला के कितनी कुछ अच्छा रिजल्ट है इसका। और दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली नहीं आती है, आपके बजट के हिसाब से आ जाती है। अगर आप पर पीस लोगे तो 25 से 30 रुपये पर पीस पड़ जाता है आपको, बट मैंने सारी पूरी 20 पीस का जोड़ा लिया है तो मुझे थोड़ा सा और सस्ती पड़ गई है, 20 रुपये पीस पड़ गया एक। तो चलिए अब इसका बोनट खोल लेते हैं, क्योंकि बोनट खोलने के बाद ही हम इसमें, बोनट खोलने से पहले अपने वाइफर नीचे कर लेंगे क्योंकि बोनट खुलने में थोड़ी दिक्कत देता है। तो इसकी बोनट की कुछ यहाँ पे एक स्विच होता है, उसको ऐसे ऊपर प्रेस करेंगे तो बोनट अपना ओपन हो जाता है। तो ये है बोनट का स्टैंड लगाने के लिए। तो इक्को की जाली में कुछ यहाँ पे 4 बटन्स होते हैं जिनको आप कुछ ऐसे प्रेस करेंगे तो अंदर हो जाते हैं और ईजिली खुल जाते हैं, हाथ से खुल जाएंगे। अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप इनको हाथ से ही खोल सकते हैं। तो देखिए, मैं एक एक करके बटन को खोल रहा हूँ। इसमें कोई पेच नहीं होते हैं, ओनली ये बटन्स होते हैं और नीचे लॉक होते हैं, उसको इजीली निकालोगे। तो देखिए जाली कुछ हिलने लगी आ गई हाथ में, तो इनको हम संभाल के यहाँ रख देते हैं ताकि ये खोए ना। और लाइट्स को कर लेते हैं ऑफ, लाइट्स को ऑफ कर देते हैं। तो इसको, जाली को कुछ यहाँ से हम पकड़ के ऐसे खींचते हैं तो देखिए जाली कुछ अपने आप हाथ में आ जाती है। तो इसमें मैंने लाइट लगा रखी है काफ़ी, तो उसकी वायरिंग और हटाने पड़ेंगे। ये है, मैंने पुलिस वाली लाइट लगा रखी है जो कि 4 पीस आती है, तो ये ऐसे करके इजीली लॉक है, निकल जाते हैं। जो कि इसका रिजल्ट भी मैं आपको दिखाऊँगा, अगर आप देखना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मेरी आईडी है, उस पर जाके उसका लिंक मैं दे दूंगा, उस पर जाके आप देख सकते हैं वीडियोस। और ये इसकी जो वायरिंग है वो ये है, इसमें भी बहुत ही अच्छा सिस्टम है, लॉक सिस्टम है जो कि इजीली यहाँ से खुल के निकल जाता है। तो एक हाथ से मुझसे ये निकलेगा नहीं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। देखिए ये कुछ इस प्रकार से निकल जाता है, काफ़ी इजी है। तो काफ़ी इजी है इसको निकालना, कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये जाली अपनी निकल चुकी है,
और ये अपनी गाड़ी कुछ इस प्रकार से लग रही है, काफ़ी अजीब लग रही होगी, एक जाली की वजह से इतनी शो बन जाती है गाड़ी में। तो चलिए गाइस इसको खोल के, और लाइट ये है अपनी, करते हैं इसकी फिटिंग चालू। तो बाहर थोड़ी धूप हो रखी है आप देख सकते हैं, तो इसको घर में ले जा कर हम करेंगे। तो इसका आपको दिखाते हैं, तो ये आगे से फ्रंट ऐसा है, तो इसके पीछे जो होते हैं आपके चार बोल्ट होते हैं, दो यहाँ पे है दो यहाँ पे, जिससे जाली खुल जाएगी। और ये बीच के बोल्ट जो आप देख रहे हैं ये इसको और इसको अलग करने के लिए हैं। तो आपको चलो खोल के दिखाते हैं हम कैसे क्या खुलते हैं। तो गाइस इसके जो जितने भी पेज थे हमने सारे खोल लिए, तो अब ये कुछ आपके ईजली ऐसे करके कुछ बाहर आ गई है, तो आप देख सकते हैं। इसमें बस लाइटिंग की जो ग्रिल होती है उसमें बस यही होता है, तो आप भी घर पे इजीली उसकी लाइट चेंज या बदल सकते हैं। तो इस पर मैंने दोबारा जब इसको पैक किया था, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने इस पर अच्छे से टेपिंग कर रखी है, तो ये टेपिंग छुटानी पड़ेगी जब जाके कहीं ये खुलेगी। और ये डुग्गू है, ये भी हमारे साथ काम करवा रही है, देखे कितनी ध्यान से देख रही है। डुग्गू सीख रहे हो आप भी ये? तो ये भी हमारे साथ काम करवाने में हेल्प करती है। तो देखिए टेप छूट चुकी है यहाँ पे, और देखिए ये इजीली गया है खुल। तो आप समझ गए होंगे कौन सी लाइट की मैं बात कर रहा था। तो इसमें अपने लंबी वाली क्लिप वाली लाइट लगा रखी है चिपका के, उसी के कारण यहाँ पे सिर्फ दो ही जगह लाइट आ रही थी, इस जगह और इस जगह। तो अभी हम इसको जब इंस्टॉल करेंगे, तो इसको कुछ इस प्रकार से इंस्टॉल करेंगे कि एक यहाँ। तो फिर इसको जला के देखेंगे हम क्या रिजल्ट कुछ आता है, क्योंकि इसका फोकस काफ़ी अच्छा है। तो 3-4 तो चलिए इसको हटाते हैं और फिर लगाते, फिर आपको दिखाते हैं। तो गाइस देखिए हमने इसको लाइट फिट कर चुके हैं, तो इसको बहुत ही अच्छे और प्रोफेशनल तरीके से किया है। आप कह नहीं पाओगे कि ये किसी अपने हाथों से किया है, ऐसा लगेगा कि मिस्त्री से ने किया है। तो अब इसकी वायरिंग बाकी है, बस ये यहाँ से फिट करके इसकी वायरिंग करके फिर आपको जला के दिखाते हैं कैसा कुछ रिजल्ट रहता है इसका। तो चलिए इसकी फिटिंग चालू कर देते हैं और फिर आपको दिखाते हैं इसकी कैसे क्या। तो गाइस लाइट को हमने कर लिया है फिट और इसके पेच कर दिए चालू। तो अब इसको इसमें फिट करने से पहले हम गाड़ी में चेक करके आएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा आ रहा है, लाइट प्रॉपर काम कर रही है या नहीं कर रही। तो चलिए आपको दिखाते हैं। धूप काफ़ी हो चुकी है, तो रिजल्ट आपको दिन में इतना ज़्यादा नहीं दिखेगा। तो एक आपके लिए रात को एक इसमें रात को बना के ज़रूर डालेंगे। तो इसमें ये सिस्टम बहुत अच्छा है जो कि ईजिली फिट हो जाता है, सिर्फ इसमें दो ये ऐसे करके करने हैं और आपकी लाइट ऑन हो जाती है। तो अंदर से मैं पार्किंग ऑन करके आता हूँ, फिर देखते हैं। तो गाइस रिजल्ट तो काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन आपको रात को ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दिखेगा इसमें। तो इसमें एक दिक्कत होगी, यहाँ पे ये ब्लैक पोर्शन है, तो लाइट यहाँ पे नहीं दिख रही है, तो इस वजह से हमने इसको पहले जलाया है। तो इसको दोबारा से देखते हैं कुछ जुगाड़ हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसा रिजल्ट हम सोच रहे थे वैसा नहीं आ पाया है, तो इसको दोबारा से ओपन करके फिर से फिट करते हैं, देखिए आप। तो गाइस ये वाली अपनी लाइट कामयाब हो नहीं पाई, इसकी एक वजह है कि ये हमने एक एक करके लगाई थी, तो इसमें और इसमें इसमें अच्छा रिजल्ट आ रहा था, लेकिन इसमें ये बीच में ओ है, तो इसमें बीच में ब्लैक पोर्शन है, तो इसमें ये लाइट दिख नहीं पाई। तो अब हमने लाइट चेंज कर दी है, तो इसका
तो इसका व्यू देखते हैं एक बार कैसा आता है। तो काफ़ी टाइम लग गया वैसे इसमें। तो गाइस इसका थोड़ा शानदार सा लुक आ गया है, जो कि अभी आप फेस नहीं देख पाओगे, तो आपको मैं ये नाइट में दिखाऊंगा। तो इसमें बात बन चुकी है, तो चलिए अब इसकी फिटिंग चालू करते हैं और इसको कर देते हैं फिट, और फिर रात को आपको दिखाते हैं एक बार कि कैसा कुछ व्यू आ रहा है। ये है आपकी पुलिस लाइट, तो इसका ही बताइए कैसा कुछ रिजल्ट आ रहा है। तो गाइस आ गया हूँ मैं आपके लिए नाइट का व्यू लेके, तो आप देख सकते हैं नाइट में कुछ कैसा व्यू आ रहा है इसका। तो गाइस बताना कैसी रही अपनी मेहनत। तो और एक चीज़ इसमें हमने आज और की है, जो इसके अंदर पहले पूरी की पूरी पिंक लाइट थी, वो आज हमने पूरी की पूरी ब्लू कर दी है। तो इसके बारे में बताना कैसी कुछ गाड़ी लग रही है, ये देखिए। ये भी नीचे पूरी ब्लू है, तो कमेंट में बताना कैसी कुछ मेहनत की है आपके भाई ने।